सात श्री अकाल, मैं हर्षिता, मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नौवीं जमात की विद्यार्थी हाँ। मैं आज आप सबनां दे सामने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन आधारित अपने कुछ भाव सांझे करन जा रही हाँ। मैं आशा करती हाँ कि आप सब इस नूं ध्यान नाल सुनोगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे नौवें गुरु सन। आपका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विखे होया। आप जी के पिता का नाम हरि गोबिंद साहिब और आप जी की माता का नाम नानकी से। आप जी बचपन का नाम त्यागमल से। आप जी बचपन तो ही रब की भगती में लीन रहते। आप जी ने शास्त्र विद्या भी हासिल की। 1632 ईस्वी को आप जी का विआह भाई लाल चंद जी की पुत्री माता गुजरी जी के नाल होया। 1634 ईस्वी को आप जी ने अपने पिता जी ने मिल के करतारपुर के युद्ध में अपने तलवार की जौहर विखाई। आप जी के पिता जी के ज्योति जो समा जाने तो बाद आप जी पिंड बकाला आ गए। उत्थे अपने 20 साल पोरे विच बैठ के सिमरन करते रहे। गुरु जी बचपन तो ही संत स्वरूप अडोलचित निरपै सुभा के मालिक सन। आप जी दी तो बाद उधर औरंगजेब कश्मीरी पंडितों नू मूसा बना रहा सी। दुखी पंडित आप जी को फरियाद लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई महान व्यक्ति साढ़े लिए बलिदान देवेगा, कुर्बानी देवेगा, तो ही सानू रखवाली मिलेगी। तो फिर आप जी इस पुत्र जी ने कहा, पिता जी आप जी नाल महावार नालों महान व्यक्ति कोई होर हो ही नहीं सकता। अपने पुत्र जी की यह गल सुन के आप जी ने दिल्ली के चांदनी चौक विखे शहीदी प्राप्त की। जो आप जी ने शहीदी देने लिए आप जी तैयार हो गए, जलाद ने आप जी का से धर्म नालों वक् कर दिता। इत अजकल शीशगंज सुशोभित है। आप जी का एक सिख आप जी की धड़ लै के रकाबगंज पहुँच गया। उत्थे ही आप जी का संस्कार किया गया। इत्थे अजकल एक गुरद्वारा बनया हुआ है जिथे बहुत धर्म रक्षा का श्रद्धालुआ नू श्रद्धांजलि भेट करने वास्ते श्रद्धालु भेट करने लिए पुजते हैं। आप जी दे ज्योति जोड़ समान तो बाद ही श्री गुरु आप जी पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सजना की सी। उन्होंने जालमान जड़ा तो हिला के रख दिता। धन्यवाद।